जब भी मैं अभी ऐसे बाल बांधती हूँ तो एकदम छोटे छोटे से बाल लगते हैं। सो अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये वाओ का एलोवेरा जेल, जिसमें पैराबेन नहीं है, केमिकल नहीं है, ऐसे ये कहते हैं। नहीं लिपस्टिक नहीं बेटा, हाँ सर को अभी नहाला नहलाना है ना। सुबह सुबह, और अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। एलोवेरा जेल को आप, कल मैंने वीडियो दिखाया था, आप ये भी कर सकते हो इसके, मतलब अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो और मेकअप भी रिमूव कर सकते हो। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज आप अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप अपने कर सकते हो। सो सोमी जी आपको दिखा रही थी, बच्चे दिखाओ, थर्मोमीटर दिखा रही थी। ओके अच्छा, कैसे करते दिखाओ सर। कल रात का अगर आपने वीडियो देखा होगा, स्वामी शर्मा शो डांस कर रही थी, तो जो शादी हुई थी तो उसकी बारात थी और वो यही से मतलब हमारे कॉलोनी से ही जा रही थी और इतना डांस किए जा रहे थे स्वामी शर्मा शो, बहुत ज़्यादा डांस किए जा रही थी। हमें भी बुलाया था बट इतनी रात को बच्चों के साथ ठंड में मतलब जा रहा, क्योंकि कल से अचानकली मतलब ठंड जो है वो बढ़ गई है हमारे यहाँ पे, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। और अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे। क्या हो गया कि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा घर का जो काम था वो भी रह गया था, क्योंकि कल सोमेश को बुखार आया था और बिल्कुल मतलब पूरी रात मतलब सोए नहीं थी, तो इस वजह से नींद कंप्लीट नहीं हुई तो मुझे इतना फ्रेश नहीं लगता और मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। तो कल सुबह मतलब खाना तो बाहर ही था, आप सभी को पता है, रात को भी हमने बाहर से ही लाया था और कुछ बाहर के जो काम थे जो इतने दिनों से नहीं हो रहे थे तो वो मैं कर रही थी। गणेश जी के गाने की आवाज़ सुन रहे हैं, उसके पापा नहला रहे हैं उसको, तो ऐसे गाना गाते रहते हैं वो दोनों। कल रात में गई थी शूट चेंज करने के लिए, तो स्वामी श्री और गणेश श्री, स्वामी श्री मेरे साथ थे, गणेश श्री उसके पापा के पास थी, तो उसने शॉप में भी डिसेंट्री नहीं हुई थी, टॉयलेट कर दी, तो हमने लगा कि शायद मैं भी ऐसे ही कर दे। और फिर उसके बाद रात को उसको थोड़ा सा बुखार काइंड ऑफ आ गया था, तो मैंने उसको पहले ही मतलब दवाई दे दी, क्योंकि सोमेश अगर होता है बुखार तो गणेश को होता है चाहे एक दिन के बाद हो तो होता है तो मुझे पता है। मैंने उसको बुखार की दवा दी थी और रात को गणेश ने इतना परेशान किया, बाप रे, उसने दो बार सुसु की गाती पे और वो कभी भी नहीं करती, मुझे पता है गणेश बिल्कुल नहीं करती, स्वामी भी नहीं करती। और हमने नीचे कुछ भी नहीं बिछाया था, क्योंकि जो क्या बोलते हैं कागज़ वगैरह उसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते वो है, बट क्योंकि वो करती नहीं दोनों इतने दिन से, मतलब बहुत महीने हो गए, वो 4-5-6 महीने हो गए अभी करती नहीं गादी पे गद्दी पे। तो दो बार मतलब नींद ऐसी ख़राब हो गई ना, अगर एक बार नींद मेरी ख़राब हो जाती ना सो कुछ नहीं होता है, तो ये सब हो गया। और फिर उसके बाद सुबह कैसे तैसे उठी और अभी भी गणेश श्री पता नहीं, मतलब उसको डिसेंट्री हुई है यानी पता नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो हर जगह कर रही है। सो ये बहुत इरिटेटिंग वाली चीज़ है, क्योंकि आपको काम भी करने पड़ते हैं और ये बच्चों का ये सब कुछ होता है। तो अभी भी उसने फिर से टॉयलेट की घर में। सो अभी मुझे मैं इनको बोल रही हूँ कि आप उसको दवाई दो, नहीं तो स्कूल में जाके वहाँ पे भी कर देगी, क्योंकि उसको मतलब कंट्रोल नहीं होता है। स्वामी श्री तो बता देती मम्मा मुझे ये हो रहा है, टॉयलेट आ रही है, लेकिन पापा उसके बता रहे हैं कि टॉयलेट जब आती है ना तो बताना, बट वो नहीं बताती, उसको कंट्रोल ही नहीं होता है। तो चलिए अभी पराठे बनाते हैं। तो मैंने इसमें आलू में प्याज डाली है,
उसके बाद हरी धनिया डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाला है। तो अभी मैं इसका सैंडविच बनाने वाली हूँ, क्योंकि ब्रेड है ये देखिए, थोड़े बहुत ब्रेड है तो इस वजह से। चला पटकन सपट कर, उशीर झाला, सपट कर, जाता है बाय करो। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सारा घर जो है वो शांत हो जाता है पूरा का पूरा। और सो मैं अभी बनाने वाली हूँ सब्जी और ये आ रहे हैं, इससे ना मुझे हंसी आ रही है। शांत हो जाता है, तुम्हारा आवाज रहता है ना? मेरा आवाज कहाँ पे रहता है? पता नहीं यार, ये इतना ब्लैक ब्लैक के दिखता रहता है। बताओ क्या मेरा आवाज आता रहता है? अभी आवाज आ रहा है ना, शांत किधर लग रहा है घर? देखिए देखिए, शांत घर तभी होता है जब तुम मायके जाती हो, तभी घर शांत होता है। तुम्हें तो वही चाहिए ना, मैं कब मायके जाऊँ? बस मैं जाऊंगी नहीं जल्दी, इनको तो बहाने चाहिए बस, जेंट्स लोगों को जो है ना बस बहाने चाहिए कि हम औरतें कब जाएंगे अपनी मायके। जाना भी चाहिए ना, मायके वालों को भी आपको परेशान करने का पूरा हक है, सिर्फ हमको ही परेशान नहीं मत किया। मैं थोड़ी मायके वालों को परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें परेशान करते रहती हूँ? पूछ रहे या बता रहे? मैंने क्या परेशान किया बताओ? हाँ देखिए क्या पीना रहे? ठीक तरह से करो, ठीक तरह से करो, चल तुम फिर। नहीं करो, ठीक तरह से करो। एक बार भी नहीं, कुछ खाना अभी मैं जब बोलता हूँ अभी आप ड्राइविंग करो तो ड्राइविंग नहीं करते हो ना? मेरे को अच्छा नहीं लगता है ड्राइविंग करना, वैसे भी मुझे ऐसा ही है, अभी भी अच्छा नहीं लगता है खाना बनाना। अच्छा ठीक है, अभी मैं ड्राइविंग करूंगी तो तुम अभी खाना बना लो, चलेगा? चलेगा कुछ भी, चलो तुम्हारा ब्रेक खा लो। चलो किधर किधर जाना? कहीं चलो भी बोलते हो, बैठो भी बोलते हो, फिर क्या करना क्या है? बाबा कुछ नहीं, बाबा कुछ नहीं, सब्जी बना रही, मुंह से आएंगे अभी।
सब्जी किसकी सब्जी बना रहे हो? आलू की। आलू की सब्जी गणेश जी ने, मैंने दो पैकेट लाए थे ऐसे, स्वामी श्री ने पूरा एक पैकेट खत्म कर दिया। उसको इतनी स्ट्रॉबेरी पसंद है और कहूँ धीरे 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 खा रहे, स्वामी श्री ने पटापटा पटापटा फटाफट खा लिए सारे स्ट्रॉबेरी। उसको तो ऐसा लगता है कि सारा खत्म ही होने वाला है, अभी बचेगा ही। गणेश जी कितनी नहीं पसंद दो क्या दो और सभी अभी घर से चले गए हैं। और क्या हो गया है ना, हमारी एक मौसी जो है, एक ही मौसी अभी मेरे घर में, सो इस वजह से वो जो मौसी है उनको ही अभी मैंने शॉप में मतलब फर्श क्लीन करने के लिए रखवाया है। और वो क्या करती है ना, मतलब हमेशा जल्दी जल्दी में होती है, मेरा ये काम होता है वो काम होता है, बिल्कुल कुछ ढंग तरीके से नहीं करती। और फर्श का मेरा ऐसा है कि बकेट और जो फर्श का जो कपड़ा है उसको डेली मतलब धोना ही मैं ऐसे कंपलसरी उनको बता देती हूँ, क्योंकि अगर हम बकेट और वो फर्श का अगर क्लीन नहीं करेंगे ना, तो बकेट जो है दिन ब दिन काली काली हो जाती है और इतनी लोगों की गंदी गंदी हो जाती है, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा मैं उनको बोलती हूँ कि आप जब भी पहले शॉप का क्लीन कीजिएगा, शॉप क्लीन कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है वो घर में आएगा, बट वो सुनते नहीं है। सो चलिए अभी मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, क्योंकि अभी नीतीश भी अभी आने वाले, क्योंकि उन्होंने अभी नहाया भी नहीं है। ये देखिए हमारे मौसी, दिखाई दे आपको मौसी है। आप सोचे कि मैं इनको डरती हूँ, बट नहीं, उनको आप कितना भी बोलो, अभी मैंने जस्ट फ़ोन किया है कि इनको सेंड करो भेजो, और वो जो फड़का है और उनका बकेट है वो धोने के लिए भेजो, क्योंकि वही फिर से उस फड़के की गंदगी जो है फिर से फर्श को लग जाती है। और अभी कपड़े जो है वो जो धोने, कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे, कपड़े धोने हैं, फिर उसके बाद रोटियां बनानी हैं और बहुत सारा काम रह चुका है। चलिए जल्दी से निपट लेते हैं। और हाँ, आज मुझे जाना है बाहर बच्चों के लिए ड्रेस लाने के लिए, क्योंकि कल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है बच्चों के लिए, तो देखते अभी क्या करें। और मैं जस्ट अभी आई हूँ ऊपर से, 2 बज चुके हैं। मैं गई थी 12 बजे कपड़े धोने के लिए और अभी जस्ट आई हूँ, क्योंकि मुझे टाइम लगता है कपड़े धोने के लिए। अरे वो दोनों इतनी भूख लगे ना, और बच्चों के पापा ने उनका मतलब उनको फ्रेश करवा दिया है, उनको मतलब कपड़े वगैरह पहना दिए, और उनके स्कूल के जो यूनिफॉर्म थे तो उन्होंने वो भी दिए, तो और भी ज़्यादा टाइम लगा। हे भगवान, इतना चक्कर आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, और मैं आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर का जो है वो वीडियो पब्लिश करना था, क्योंकि वो एग्ज़ाम में है। और अभी तक अपनी में आपने मेरी सिस्टर का चैनल नहीं देखा है तो उसके चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्वामिनी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, तो वो भी ब्लॉगिंग करती है, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और गणेश श्री स्वामी श्री को अभी स्ट्रॉबेरी चाहिए, स्ट्रॉबेरी लाती हूँ ना स्वामी श्री को, जो इतनी पसंद है मतलब खाना ही नहीं खाती है। सो अभी मैंने उनको धोखे दी, कल क्या हो गया था कि मार्केट से जब लाई थी तब उसने ऐसे ही खाई थी, तो नीतीश ने मुझे सुबह डांटा कि ऐसे मत दो, क्योंकि गणेश को ऑलरेडी डिसेंट्री हो चुकी है। सो
बोलो दीदी। बस बच्चों ने लिब्बा वगैरह लगा, तुम्हें स्वतः नहीं लगा लिब्बा? स्वामी श्री आपने खुद अपने आप से लगवाया? हाँ। अच्छा हो। आज क्या था? कांगारू जंप था आज से स्कूल में? कैसे था आज? क्या था? कैसा कैसा? अच्छा फ्रॉग जंप दिखाओ दिखाओ, कैसे था फ्रॉग जंप? क्या करो फ्रॉग जंप करो। अरे 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 इतना स्लोली तो कैसे जीता होगा मेरा बच्चा? मुझे तो नहीं लगता है घर से जीते होगे, क्योंकि इससे पहले जो स्कूल में थी ना उसमें इतने बच्चों को प्राइज मिले थे, मेरे बच्चों को प्राइज एक या दो ही मिले थे। अच्छा नैपकिन चाहिए? सभी से गणेश का स्टडी जो स्टार्ट हो चुका है, और किसी एक ब्लॉग में मुझे किसी ने पूछा था इन इयर रिंग्स के बारे में। सो ये जो इयर रिंग्स अगर आप देख रहे हो ना, तो ये इयर रिंग्स मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट किए थे, और ये सोने के हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ अलग काइंड ऑफ में है, मोती है, और इसको क्या बोलते हैं, वी फॉर वैन, और ये बहुत सालों पहले मुझे दिया था, मेरी शादी के बाद मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट किया था ये इयर रिंग्स, और बहुत ही गंदे हो चुके हैं एक्चुअल में। ये मैंने बहुत दिनों के बाद पहने थे, सो अभी मैं फिर भी, क्योंकि रात के टाइम के होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चुभ जाते हैं, और मेरा कैसा है ना मेरे कानों के लिए मैं यही वाले क्या बोलते हैं पीछे का जो है ना वो रबर वाला है मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि किसी किसी को सोने की फिरकी जो होती है, फिरकी बोलती है मुझे लगता है इसको मराठी में, तो फिरकी बोलते हैं इसको, तो किसी किसी को सोने की फिरकी जो होती है ना वो एकदम सूट करती है, बट मुझे नहीं करती है। और अभी मैं फिर से पहन रही हूँ, बट मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा, थोड़े से गंदे हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने पहने नहीं थे, रख रख के वो गंदे हो चुके हैं। अगर मैं पहनती, अगर आपने देखा होगा कितने 2 साल हो गए मतलब अभी तक मैंने नहीं पहने। एक्चुअली मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे यूनिक इयर रिंग्स हैं, मुझे बहुत सारे आप लोग कहते हो शीतल तुम इयर रिंग्स वगैरह क्यों नहीं पहनती। एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है, बट अगर कोई फंक्शन वगैरह हो, तो कल फंक्शन था, शादी थी, तो बड़े कुछ इयर रिंग्स पहनने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और बहुत करीब की शादी होती ना तब उस टाइम में जो बाकी के जो गहने होती है वो पहनती हूँ, बहुत ही मतलब करीब की शादी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मतलब ऐसा होता है कि बहुत अजीब सा लगता है अगर किसी की शादी में जाओ और इतना सोने का पहन के जाओ। मतलब मोस्टली हमारे यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, दिखाओ अम्ब्रेला इधर लाओ, तो मुझे तो दिख नहीं रहा है, इधर तो लाओ, दो मिनट भी। अच्छा ये मुझे भी नहीं पता क्या लिखा है यहाँ पे, वेजिटेबल से, वेजिटेबल, हाँ वी फॉर वेजिटेबल्स, मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, मुझे पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा है इन दिनों, और नितेश इतना अभी गुस्सा हो जाएंगे ना कि मैं लैपटॉप के सामने इतना काम करती रहती हूँ एडिटिंग का, तो मुझे फिर से आई टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे आईज़ में से थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है। और जिन्होंने मुझे पूछा था कि ये इयर रिंग्स सोने की, यानी यस ये सोने की इयर रिंग्स है, और ये मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट किए थे, और मेरी नानी को मैं आपसे मिलवाऊंगी, और वो अभी है मेरी नानी मतलब मेरी मासी की जो बेटी है तो उनके पास है, क्योंकि उसकी लड़की एक जगह पढ़ाई कर रही है, तो इस वजह से वो उसके साथ रह रही है, क्योंकि मेरी जो मासी की बेटी उसको टाइम नहीं है, मतलब टाइम मतलब कैसे होता है कि उसको अपना घर भी देखना है, और उसको बच्चे को जहाँ पे उसने पढ़ने के लिए भेजा है तो वो पढ़ाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th 12th है, तो इस वजह से मेरी नानी जो है मेरी भतीजी के साथ है, और मैं जल्दी मिलवाऊंगी, और मैं आपको मेरे बाकी के जो परिवार वाले हैं सो उनको भी मिलवाना चाहती हूँ। देखते मैं धीरे धीरे हर एक को एक कंफर्टेबल जोन में लाना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई कंफर्टेबल होता है तो ही अच्छा लगता है। सो चलिए भी इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, आई होप आप सभी के मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना, गणू दीदी के लिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना मेरा बच्चा।
और अभी भी डिसेंट्री हो गई है तो अभी पापा उनके लिए दवाई लाने के लिए गए मेरे बच्चे के लिए, है ना बच्चे? कहाँ पे टॉयलेट कर रहा है? हाँ अभी मतलब मैं कपड़े धो रही थी तो नितेश ने क्लीन किया इसको। सो यस, नितेश बहुत हेल्प करते हैं, मुझे नहीं पता था, मैं ऊपर थी और कल भी मतलब मैं बाहर गई थी तब भी उस टाइम उसने किया था, तो नितेश करते हैं क्योंकि हम दोनों ने ऐसा नहीं किया है कि हाँ तुमने, मतलब नितेश ऐसे नहीं बोलते कि हाँ तुम्हें ही सब कुछ करना है और बाकी का ऊपर का काम नहीं, वो सब कुछ करते हैं। अगर मैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं होती हूँ तो, और मैं नहीं थी तो, और मैडम देखिए सौमिश्र मैडम पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी ख़त्म कर दी, ब्लॉक तैन करना है, ये देखिए पैन क्यों नहीं पहनी इन दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है ना शना? स्ट्रॉबेरी ओलो वावले, अरे बाप रे अब एक ही स्ट्रॉबेरी रह गई है अच्छा लाल लाल हो गया हाँ। ई कर ई ई ई ई कर ई, दांत तो देखो इसके, गणू दीदी के टीथ देखो, गणेश दीदी के टीथ बहुत बढ़िया है ना? बाय करो सौमिश्री, बाय करो, बाय। यहाँ पे सब्सक्राइब तो बोलो ना, बाय। इतनी जल्दी होती ना इस लड़की को, ये लड़की ना, ये लड़की तो गद 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 गद। और ये 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 देख, ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, बैठे ना टॉयलेट करता है ना, हाँ गद 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 गद। अरे देखो ये कहाँ पे छुपी, अरे गद 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 छुप गई। बाय करो, बाय।